नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और खबरों को शेयर करना और लाइक करना। छठ व्रतियों ने शनिवार को घरों में खरना करके प्रसाद ग्रहण कर व्रत शुरू किया था, जहां छठ महापर्व का समापन सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ हुआ। इसी दिन चलगामी भगवान सूर्य को शाम में पहला अर्घ दिया। छठ महापर्व के तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया। शाम में सूर्य को अर्घ देने का विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार सूर्य षष्ठी यानी कि छठ पूजा के तीसरे दिन शाम के समय सूर्यदेव अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ रहते हैं, इसलिए संध्या अर्घ देने के बाद प्रत्युषा को अर्घ प्राप्त होता है। मान्यता है प्रत्युषा को अर्घ देने से इसका लाभ अधिक होता है। ऐसा चलगामी भगवान सूर्य को पहला अर्घ खरना का प्रसाद ग्रहण के बाद से व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया। शाम को व्रती बांस से बने दौरा में ठिकुआ ईंट फल समेत अन्न प्रसाद लेकर नदी तालाब और अन्य जलाशयों में जाकर शाम के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं। यह धन और वैभव की प्राप्ति मान्यता प्राप्त है कि सूर्य को संध्या अर्घ देने से जीवन में तेज बना रहता है और यश और धन के और वैभव की प्राप्ति होती है। वहीं बता दें आपको कि आखिर क्यों कमरे में बंद करती हैं खरना, आखिर क्यों बंद कमरे में खरना किया जाता है, इसका विशेष महत्व है। क्या है सुमूरत और पूजा की विधि, छठ मैया के गीत से पूरा घाट गूंज जाता है। यह मनोकामना सिद्धिपूर्ण व्रत होता है। दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से मुकेश कुमार के साथ।